तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें, और इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, जनवरी 2022 में किसने रियर एडमिरल बी शिव कुमार से नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के एडमिरल अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। पहले ये थे एडमिरल, अब एडमिरल चेंज हो गए हैं, तो ये हैं के पी अरविंदन। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो रियर एडमिरल के पी अरविंदन है, इन्होंने 14 जनवरी 2022 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के जो एडमिरल अध्यक्ष के रूप में रियर एडमिरल बी शिव कुमार है, इनसे इन्होंने कार्यभार संभाला है। अब जो विशिष्ट सेवा पदक से ये सम्मानित हैं एडमिरल, वर्तमान कार्यभार संभालने के लिए पहले पश्चिमी नौसेना कमान के जो मुख्यालय थे उसमें मुख्य कर्मचारी अधिकारी यानी तकनीकी, जिसे टेक्निकल भी कहा जाता है, उसके रूप में काम करते थे। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में इंडियन सुपर लीग की जो ओडिशा एफसी है, अब इसने किसे अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त करा है। अब ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि इंडिया में अब फुटबॉल में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। तो इसका आंसर है किनो ग्रासिया। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो इंडियन सुपर लीग है, ओडिशा एफसी, ओडिशा फुटबॉल क्लब, एफसी का मतलब होता है फुटबॉल, जस्ट वन सेकेंड, फुटबॉल और ये होता है क्लब। हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, लिखने में दिक्कत हो रही है। जो किको रामिरेज हैं, इनकी जगह पर किनो ग्रासिया आए हैं। और जो ओडिशा है, इन्होंने अपने 7 मैचों में जो जीत हासिल, 2 जीत हासिल करी है, 11 टीम की सूची में 9वें स्थान पर। 11 टीम मतलब एक तरफ 11 प्लेयर्स होते हैं और एक तरफ 11 प्लेयर्स होते हैं, गोल नहीं है, ये प्लेयर्स हैं, यानी जो खिलाड़ी एक एक साइड पर होते हैं। ये 9वें स्थान पर खिसक गया है, ये टीम की सूची में 9वें स्थान पर है। जो ग्रासिया है, इन्होंने एक जो सहायक कोच के रूप में इन्होंने काम किया है ओडिशा के अगले खेल, जो 18 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ है, और ये मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से 926.17 मिलियन लेन देन के साथ जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, राशि का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है पेटीएम बैंक्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स। अब इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, 926.17 मिलियन लेन देन के साथ ये एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI राशि का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, उभरा है। जो भारतीय स्टेट बैंक है SBI, इसने दिसंबर 2021 में ये जो चार्ट है ये जारी करा था, और ये डेटा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा जारी करा गया। UPI लेन देन में जो स्टैंडर्ड चार्ट बैंक है, ये 96.74% अनुमान दर था इसका। चौथे क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। जनवरी 2022 में जो उद्यमियों का समूह है, निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन करने के लिए एक साथ आया है? कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जापानी हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रूसी हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स या चीनी हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इसका आंसर है कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो उद्यमियों का समूह है, ये एक संगठन है, कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CSCC, कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनको बनाने के लिए एक साथ आया है। जो कनाडा के हिंदू हैं, इसका उद्देश्य ये है कि इनका हित जो है एककरण करना है, इनको एक साथ लाना है। और जो नए चैम्बर हैं, इनके जो निदेशक हैं, कनाडा के विभिन्न हिस्सों से संबंधित हैं और जो भारत के कई राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका से भी संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2022 में हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा? अब 2022 में जो गणतंत्र दिवस समारोह है, इसे चेंज कर दिया गया है। इसका आंसर है 23 जनवरी। आगे जानते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 की बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। ये परेड की बात नहीं कर रहे हैं, परेड जो है आप सभी को पता है 26 जनवरी को होती है, ये समारोह है। ये कदम स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी जयंती को शामिल करने के लिए उठाया गया है। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो इनकी जयंती है, वो पूरे देश में पराक्रम दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस के नाम रूप में मनाई जाएगी अब से। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिलनाडु के जो त्रिवल्लर दिवस है, ये किस दिन मनाया जाता है, बताइए? तो इसका आंसर है 15 जनवरी।
15 जनवरी 2022 को तमिलनाडु के में जो त्रिवल्लर दिवस है, इस दिन ये मनाया जाता है। तमिल में जो कवि और दर्शनों होते हैं त्रिवल्लर में, ये एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। ये जो इनकी प्रतिमा कृति है त्रिकुरल है, जिसमें 1310 दोहे कुरल, यहाँ की भाषा में कुरल बोलते हैं दोहों को, और जो ये कुरल है यानी दोहे हैं, 10 दोहे के 133 खंडों में विभाजित किया गया है इन्हें। और फिर पाठ को 3 भागों में धर्म, अर्थ और काम, जिसका अर्थ धन और प्रेम है, इसमें विभाजित करा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना ने सेना दिवस पर अपने जो कर्मियों के लिए एक हल्की और अधिक जलवायु के अनुकूल लड़ाकू वर्दी पेश करी है। यानी जो वर्दी है ये बहुत हल्की है। इसका कहने का मतलब है, ये जो लड़ाकू वर्दी है ये बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है, क्योंकि जो इनकी वर्दियाँ होती है ना, जो इनकी यूनिफॉर्म होती है, ये बहुत ज़्यादा ही भारी होती है। तो इसलिए इनको मूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी हल्की होगी तो हमारी इंडियन आर्मी को और बल मिलेगा। इसका आंसर आपको बताना है। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वैसे भी डिटेल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सॉरी मैं ऑप्शन देना भूल गया। और यहाँ पे है भारतीय सेना ने सेना दिवस पर जो ये कर्मी हैं इनको अनुकूल लड़ाकू वर्दी पेश करी है, जो कि बहुत हल्की है। ये जो आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म को निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित करा गया है। डिजिटल जो विघ्नकारी है इस पैटर्न पर ये होगी, 13 साइज़ों में उपलब्ध होगी। और ये 70-30 होता है, अगर 0 से 0 को हटा दें तो ये 7-3 भी होता है, चाहे इसे 10 मान लो या चाहे 100 मान लो, एक ही बात है। इसके अनुपात में कपास और पॉलिएस्टर के संयोजन से ये बनी है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में जो चीनी सीमा शुल्क के जो आंकड़े जारी करे गए हैं, इसके अनुसार भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है 2021 में कितने अरब डॉलर के पार कर गया है? तो इसका आंसर है $125 अरब। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। 14 जनवरी 2022 को जो चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों ये जारी करे थे, इसके अनुसार भारत चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है ये 125 अरब डॉलर्स के पार पहुंच गया है। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार 125.66 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। 2020 में जो 2020 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 87.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, और ये जो व्यापार से 43.3% अधिक है। आपको ये याद रखना है कि किस साल में क्या हुआ है, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वित्त से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। 2021 में जो ये आंकड़े किसके द्वारा जारी करे गए हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम GAC, इनके द्वारा ये आंकड़े जारी करे गए हैं। और जो इसके अनुसार 2021 में चीन ने भारत से 28.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया, जो 34.2% अधिक था। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ढाका का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, यानी ढाका का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF यानी ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कौन सा संस्करण ढाका में कई स्थानों पर 15 से 23 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया जा रहा है, बताइए। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर है 20वां, जो 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है DIFF यानी ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये ढाका के कहाँ स्थानों पे 15 से 23 जनवरी 2022 में कई जगह आयोजित करा जा रहा है। अब जो महोत्सव है 70 देशों की 10 श्रेणियों के तहत 225 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पे। अभी जो भारतीय प्रविष्ठ में PS जो विनोद राजा हैं इनके द्वारा निर्देशित जो कुजंगल है, और शुभ्रजीत मित्रा हैं इनके द्वारा निर्देशित आवी जात्रिक, इंद्रनील राय चौधरी इनके द्वारा जो मायर जोंजल हैं इनके आदि फिल्में शामिल रहेंगी इसमें। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र यात्रियों की जो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कार निर्माताओं को 8 यात्रियों के क्षमता वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग प्रदान करना अनिवार्य करेगा, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? नितिन गडकरी। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो केंद्र है यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जो 8 यात्रियों को क्षमता वाले मोटर जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं ना, 8 सीटर जिसे कहते हैं, उसमें 6 एयरबैग प्रदान करना अनिवार्य हो गया है।
अब नितिन गडकरी ने 14 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा करी। इसमें दो साइड टॉर्सो एयर बैग रहेंगे और दो साइड केटन ट्यूब एयर बैग शामिल होंगे, जिसके किनारे सभी यात्रियों को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन बटन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड। और ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी और सुबह 6 बजे लाइव आती है, तो आप इसे प्लेलिस्ट में भी इसे देख सकते हैं और सुबह 6 बजे लाइव भी देख सकते हैं। और इस वीडियो पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लाइक दिखते नहीं है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप एक हेल्प कर सकते हैं, इस वीडियो पे लाइक ज़रूर दे सकते हैं। लाइक मिलने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हमने जो कोर्स टाइप शुरू कराया, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सॉल्यूशन विद अभिषेक। हम वहाँ पे कोर्स टाइप जीके पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो आप चैनल के लिंक के थ्रू वहाँ पर जा सकते हैं और वो शाम को 6 बजे अपलोड हो जाती है वीडियो। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।